Assalamu alaikum, fourth class. Here is your book, New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2A, The Storyteller. The Storyteller. Students, in our previous lecture, we have it's a whole reading, words meaning, and exercise A, part 1, and part number 3. Today we are going to start exercise number B, working with words. Okay, working with words. Question B, part 1. Let's start. Find words in the poem that rhyme with the following. जी, राइमिंग वर्ड्स आपको पता होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो होते हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके साउंड्स जो हैं वो सेम होती हैं. ठीक है, देयर प्रोनंसिएशन सेम. ओके, लाइक बोल्ड. अब हमने इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं बुक में से, पोएम जो हमने रीड आउट किए हैं, तो स्टोरी टेलर उसी में से हमने सर्च करने हैं. ठीक है, बोल्ड. अब बोल्ड का हमने क्या पढ़ा, ओल्ड, कोल्ड, टोल्ड. यानी आप इनके स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन लास्ट साउंड जो है वो सेम है. ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. टेबल्स, फेबल्स, फायर्ड, टायर्ड, पील, फील, स्टेट, प्लेट, प्रेड, defeat, repeat, red, fed, bed, muddled, cuddled, cuddled, cuddled. Okay, next part number 2 is put the following in alphabetical order. Alphabetical order hote hai students according to alphabets A to from A to Z. yani hame niche kuch diye gaye names diye gaye hain. theek hai, हमने इनको इनके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, यानी इनका जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको करना है, ऑर्डर में प्लेस करना है. ठीक है, उन पे नंबरिंग करते जाना है, फर्स्ट पे कौन सा आता है, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे, इस तरीके से. ठीक है, अब देखें, आप इनको गौर से सुनिएगा इनकी प्रोनंसिएशन. ठीक है, डिकन्स, बॉन्ड, यीट्स, शेक्सपियर, ड्रेटन, कीट्स, शैले, ब्लेटन, स्टर्न, वुडहाउस, एडिसन, गार्डनर, लुडलम, वेबस्टर, ज़ेनोफोन, एल्कट, जॉनसी. ओके, ये राइटर्स के नेम हैं. ठीक है, इंग्लिश राइटर्स के. ठीक है, अब हमने इनको इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग सेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है. अब हमने देखना है ए से कौन सा नेम है. ठीक है, यहाँ से सर्च करेंगे तो देखेंगे ए से एडिसन और एल्कट. अब ए से तो दो आ गए, अब हम कैसे इसको करेंगे, वन वाला कौन सा और बी ए टू वाला कौन सा है. अब ए ए तो सेम आ गया, अब इनका हम सेकंड लेटर देख लेंगे. डी इधर लगा हुआ है एडिसन में और एल्कट में एल लगा हुआ है. अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट्स में डी पहले आता है या एल पहले आता है. तो डेफिनेटली डी पहले आता है, तो एडिसन वाला जो है वो नंबर वन पर है, एल्कट नंबर टू पर है. ठीक है, ए के बाद अब बी पर आ जाएंगे. बी से कितने देखेंगे, बी नेम्स बॉन्ड, ब्लेटन, यस दो ही हैं. अब ये भी उसी तरीके से सेकेंड इनका लेटर देख लेंगे. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग ब्लेटन नंबर थ्री पर आएगा, बॉन्ड नंबर फोर पर आएगा. नेक्स्ट डी आ गया, डी से डिकन्स, ड्रीडन और यस यही दो, डिकन्स और ड्रीडन ये भी दो हैं, तो इनको भी अकॉर्डिंग टू देयर सेकेंड अल्फ़ाबेट टिकल लेटर करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, डिकन्स नंबर फाइव, ड्रेटन नंबर सिक्स पर आएगा. नेक्स्ट नंबर सेवन पर आ जाएंगे हम. अब डी है, डी के बाद ई आएगा, ई से कोई भी नहीं बनता, ई एफ जी, जी पर आ जाएंगे. जी वाला जो है नंबर सेवन है, नंबर एट पर आ जाएगा के वाला, जी एच आई, एच और आई इन दोनों से नहीं बनता, जे से भी नहीं बनता, के वाला आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपने इनको नंबरिंग पुट करनी है इनके ऊपर. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. फाइंड एन एक्सक्लेमेशन इन द पोएम अबाउट द स्टोरी टेलर. मेक थ्री एक्सक्लेमेशन बेस्ड ऑन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक. जी स्टूडेंट, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनके लास्ट पर हम ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. ठीक है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या एक्सक्लेमेशंस कहते हैं. ठीक है, ये हमने कुछ स्टोरीज से देखनी है. स्टोरी में आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस के लास्ट पर
बढ़िया है यही था जो सेंटेंस था, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड चिल्ड्रन, व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देन, ये जो दो सेंटेंस हैं ये पोएम में से हैं, ठीक है। बाकी जो हैं तीन हमने खुद से बनानी है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ये आपके पास मौजूद है नोट्स पर, ये आप क्वेश्चन वहाँ से देखेंगे। कम टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर टू, यूजिंग नो, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच वन मस्ट स्टार्ट विद नो, यानी हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और हर क्वेश्चन का आंसर जो है नो से स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है, डू यू ईट रोटन एग्स, डू यू ईट रोटन एग्स, क्या तुम खराब अंडे खाते हो, नो आई डोंट, यानी नो है तो डू है तो डू की शॉर्ट फॉर्म हम लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगाएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स हमने यूज़ करनी है इनकी, नो आई डोंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए, कैन यू फ्लाई, क्या तुम उड़ सकते हैं, नो आई कांट। विल शी मेक अ स्पीच, क्या उसने तकरीर की, क्या वो तकरीर करेगी, नो शी वॉन्ट, डब्ल्यू ओ एन कॉमा टी, नो शी वॉन्ट, विल की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो वॉन्ट होती है। नंबर सी, डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड, क्या तुम स्विट्जरलैंड में रहते, नो आई डोंट। डज अ टाइगर क्लाइंब ट्रीज, क्या एक शेर दरख्त फैलांगता है, नो इट डजेंट। इट हमने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है, नो इट डजेंट। डिड यू ब्रेक योर आर्म, नो आई डिडेंट। हैव यू बीन टू द नॉर्थ पोल, नो आई हैवंट। हैज ही गॉन येट, नो ही हैजंट। इज शी इन दिस स्कूल, नो शी इजंट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 24। Yes, on page number 24 is reported speech, reported speech. अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ये सेंटेंस लिखे हुए इनमें जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है, वो क्या है, रिपोर्ट करें, यानी वो बोलने वाले के ओरिजिनल वर्ड्स हैं कि उसने क्या बात की है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग में बताना है कि उसने क्या बात की है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है आपने। दे आर स्ट्रॉन्ग ही सेड, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर इन इन्वर्टेड कॉमास, यानी दे आर स्ट्रॉन्ग, वो ताकतवर हैं, ही सेड उसने कहा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, वो ताकतवर, ये उसके वर्ड्स हैं ही के, ठीक है। अब वी कैन रिपोर्ट दिस सेंटेंस लाइक दिस, हम इस सेंटेंस को इस तरीके से बता सकते हैं, ही सेड दे वर स्ट्रॉन्ग, यानी वो कहता है कि वो ताकतवर थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब जब आप रिपोर्ट करेंगे इस सेंटेंस को, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, जो प्रेजेंट टेंस होगा वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर आर लगा हुआ तो वो किस में चेंज होगा, वर्ब में चेंज हो जाएगा। इस लगा हुआ तो वो वॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपने ध्यान से देखना है, अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो सेकेंड फॉर्म पर आ जाएगी। Where are they? He asked Anam. उसने अनम से पूछा, वो कहाँ हैं, उसने अनम से पूछा। अब इसको हम अपनी वर्डिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, ठीक है। ही आस्ट अनम वेयर दे वर, वेयर दे वर, आर था तो ये किस में चेंज हो गया, वर में चेंज हो गया। वी आर यंग दे सेड, दे सेड दे वर यंग, ठीक है। अब दे आ गया तो हम यहाँ पर भी दे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। दे सेट दे वर यंग, आई एम मोना, शी टोल्ड अस, अब यहाँ पर शी आया, ठीक है। अब शी टोल्ड अस, शी वॉज मोना, ठीक है। आई लाइक मैंगोज, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी ही लाइक्ड मैंगोज। इट इज़ डेड, ही सेड, ही सेड इट वॉज डेड, ठीक है। अब इट है तो इट की जगह हम कोई ही शी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ही शी नहीं लगाते, यहाँ पर लिविंग थे तो इसलिए हमने ही लगाया, जो इधर लगा हुआ था ही वही वही हमने इधर फिर जब चेंज किया तो इधर ही लगाया, शी था तो शी लगाया, दे लगाया, ठीक है। नेक्स्ट, वी आर टायर्ड, दे सेड, they said they were tired, okay. Come to next question, question number D, that is listening and speaking.
sometimes when you hear one word, you immediately think of another word. Write down the first word you think of when you see the following words. The first one has been done for you. Doctor, patient. यानी sometimes आप किसी एक word का नाम सुनते हैं तो suddenly आपके mind में उसी के related कोई और word आ जाता है. तो अब हमारे पास ये nouns लिखे हुए हैं, ठीक है. ये हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनको सुनने के बाद जो भी इनके रिलेटेड हमारे माइंड में जो वर्ड आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे. ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें, आप खुद से भी लिख सकते हैं जो इस इनके रिलेटेड हो, ठीक है. अब डॉक्टर है तो डेफिनेटली पेशेंट, स्कूल, यूनिफॉर्म, इसके अलावा बुक्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है. इंजन, ट्रेन. अब इंजन जो है कार का भी हो सकता है, ट्रेन का भी हो सकता है, बाइक का भी हो सकता है, ठीक है. वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. स्कूल हो गया. ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है, वो आप लिख सकते हैं. एक्साइटिंग गेम, एक्साइटिंग और भी बहुत से काम है वो भी आप लिख सकते हैं. हाउस, हॉस्पिटल, टाइगर, जीप, क्रूअल. क्रूअल का मतलब होता है जालिम. स्लीप, मैंगोस, ठीक है. इनके रिलेटेड जो वर्ड आपके माइंड में सडनली आ जाए आप उसने उसको लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स, आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.